जेनेटिक बीमारियों से शरीर को मुक्त रखने में सहायक योगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जेनेटिक बीमारियां यानी जो परिवार में आप लोगों को देख रहे हैं कि हमारे परिवार में ये बीमारियां तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, तो ये भी बीमारियां पहले बड़ी उम्र में होती थी, मगर अब उम्र का कोई तकाजा ही नहीं है। बहुत कम उम्र में आप देख रहे हैं ना, शुगर बच्चों को हो रही है बहुत कम उम्र में, ब्लड प्रेशर 18-20 साल के बच्चों को हो जा रही है, और ऐसे ही हार्ट की समस्या, क्योंकि रोज़ हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया, और अस्थमा जैसी बीमारियां तो आपको मालूम है कि बचपन से ही लोगों को हो जा रही, बच्चों एसिडिटी, कब्ज, गैस, अगर ये भी परिवार में है तो बच्चों को हो जा रही है। यानी सारी समस्याएं जो परिवार में लोगों को है वो कम उम्र में ही आ रही है, और इसका मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, और ऊपर से व्यायाम न करना। यानी आपको व्यायाम तो अपनाना ही पड़ेगा, अपने आहार को भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वही तो इसका कारण है। तो आज मैं आपको थोड़े से आसन करके बता रही हूँ, क्योंकि देखिए योग को तो आज पूरा विश्व मान रहा है और अपना भी रहा है और कर भी रहा है, तो हम अपने देश के इस ज्ञान को क्यों नहीं अपना रहे हैं? इसको अपना लेने से आपको देखिए दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका आर्थिक जो है वो जो पक्ष है अच्छा होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास देने में तो फालतू पैसे खर्च ही हो रहे हैं ना, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, सब कुछ कितना महंगा है, और इनको करने से तो आप बचे रहेंगे, अगर नहीं है तो 100% बचे रहेंगे, और हो गया है तो इससे आप ठीक भी रहेंगे। तो मैं आपको बहुत जल्दी से थोड़े से आसन करके बता रही हूँ कि जिन्हें आप प्रतिदिन करें, इनको करके आप तभी महसूस करेंगे जब आप रोज करेंगे। अगर आपको सूर्य नमस्कार आता है तो जरूर करें, और अगर नहीं आता है तो सीख लें। मैं इसमें एक लिंक डालूंगी, उसमें मैंने सूर्य नमस्कार सिखाते हुए बताया है कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार नहीं कर रही हूँ, तिर्यक ताड़ासन बता रही हूँ। तिर्यक ताड़ासन के लिए फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचें, और ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड बैंड हो जाए, और बस आंखें बंद कर लें। आपके लेफ्ट साइड एक खिंचाव आ रहा है, बाई तरफ खिंचाव जो आ रहा है उसे वहां पर ध्यान को ले जाएं, और लंबी गहरी श्वास से छोड़ें। आधा मिनट रुकने के बाद श्वास भरते हुए सीधे हो जाए, और इसी प्रकार आप बाई तरफ हो जाए। अब आपका खिंचाव दाहिनी साइड आ रहा है, अपना ध्यान इधर ले आए, और बस लंबी गहरी श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। आप देखेंगे आपकी आंतों के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, लीवर के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव है, लंग्स भी पूरे खुल रहे हैं। यानी एक आसन कितने अंगों को ये आपको हेल्दी बना रहा है। इतना ही नहीं, आपके पीठ के दर्द को भी दूर करेगा और साइड का फैट भी दूर करेगा, पूरे शरीर रक्त के संचार को तेज करेगा। तो तिर्यक ताड़ासन के बाद अब मैं सीधे आपको बैठ के आसन बता रही हूँ। सबसे पहले शशांक आसन बता रही हूँ। शशांक आसन इसलिए बता रही हूँ कि हार्ट और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको तनाव मुक्त रखता है, जो इन रोगों का मुख्य कारण भी है। तो आपको वज्रासन में बैठना है, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे, और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पर टिका दें, बस यहाँ पर लंबी गहरी श्वास में छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आप महसूस करें कि आप सारी थकान सब धरती में जा रही है, और आप सचमुच बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। यहाँ आप 1-2 मिनट रुके, क्योंकि यहाँ रुकना सरल है आपके लिए, और फिर सांस भरते हुए सीधी हो जाए, और हाथों को बन गया है। ये था शशांक आसन। शशांक आसन के बाद मैं आपसे बोलूंगी मंडूक आसन, क्योंकि आज शुगर की समस्या आप देख रहे हैं। शुगर ही नहीं,
खाली ये पैनक्रियास को ठीक नहीं करेगा, लीवर को भी ये प्रभाव प्रभावित करता है। तो मंडूक आसन के लिए सॉरी वज्रासन में बैठे फिर से, और दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रख ले और पूरे नाभि को पूरा कवर कर ले आप। और सांस को पहले बाहर निकाल ले, यहीं पर सांस को बाहर निकाल के आंखें बंद कर ले और धीरे से नीचे झुक जाए, बस इतना ही झुकना है। और झुकते हुए ध्यान रखें कि पीछे से उठे नहीं आप, बस लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज को बनाए रखें। यहां भी आप एक मिनट तक जरूर रुकें, अगर आपको रोग है तो अभ्यास करते करते इसमें कम से कम 2 से 4 मिनट रुकें और सांस भरते हुए धीरे से जितनी देर रुक रहे हैं कोशिश करें, अगर शुरुआत में कम रुक पा रहे हैं तो वो बार कर लें। ये था आपका मंडूक आसन। मंडूक आसन ऐसा नहीं है कि खाली शुगर को ही कंट्रोल करे, पूरे डाइजेशन सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है और इवन आपके हार्ट के ऊपर भी इसका अच्छा असर है, किडनी भी इससे हेल्दी होती है। आपने देखा है जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, तो किडनी भी उनकी डैमेज होने लगती है। अब इसके बाद मैं आपको गोमुख आसन बता रही हूँ जो हृदय के लिए रामबाण है, लंग्स को हेल्दी बनाता है और हृदय और लंग्स के साथ साथ ये आपको सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर कंधे के दर्द से भी मुक्ति दिलाएगा और महिलाओं की जो पीरियड संबंधी प्रॉब्लम है उससे भी मुक्ति दिलाएगा, पुरुषों को प्रोस्टेट और इन समस्याओं से भी मुक्ति दिलाएगा। तो मैं आपको करके बता रही हूँ। देखिए मैंने घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए दोनों एड़ियों को हिप से लगा दिया, क्योंकि जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे गया है, दूसरा साइड से गया है। और मैं दूसरी तरफ से करके बताऊंगी, मैंने पीछे से अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया है और यहाँ पर आंखें बंद करके आप लंबी गहरी श्वास लेने छोड़े, बस केवल ध्यान अपने अंदर की ओर रखे श्वास पर। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि आपकी ये इस शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि शुगर को हेल्दी नहीं दूर नहीं करता, यानी आपके एक डायबिटीज की समस्या के लिए भी अच्छा है। और रिलैक्स सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। अब मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था, बिल्कुल सीधे सीधे। अगर आप नहीं भी पकड़ पाते हैं तो आप ऐसे करके कोशिश करें जहां तक आएगा आप, मेरा तो सरलता से मैं पकड़ पाती हूँ, मगर आप रोज कोशिश करेंगे तो जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं वो कुछ समय में पकड़ने लग जाएंगे अपने हाथ को। तो ये था गोमुख आसन, बहुत अच्छा आसन है, इसके बहुत सारे लाभ हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी भुजंग आसन। लेकिन हाँ, भुजंग आसन बहुत अच्छा आसन है, ये आपके हर चीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको हार्निया की शिकायत है वो इसका अभ्यास न करें, क्योंकि उन्हें पेट के बल लेटना मना होता है। भुजंग आसन के लिए हथेली को आप यहाँ दिखा लें, सांस भरते हुए जितने ऊपर उठ सकते हो उठ जाए, आंखें बंद रखें, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाए। ये आपके थायराइड से लेके लंग्स, हार्ट, डाइजेशन, महिला रोगों के लिए, आपके बैक मसल, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल, सबके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आसन एक लाभ अनेक। और इस आसन में एक मिनट तो जरूर रुकें, और अधिक रुक सकते हैं तो आप जरूर रुकें, नहीं तो ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और इसको 2-3 बार कर लें, इससे अच्छा कोई आसन मिलेगा नहीं। अगर आप हार्निया के मरीज नहीं हैं तो ये आसन आप जरूर 3-4 बार करें। और भुजंग आसन की बात सीधे हो जाए, पवन मुक्त आसन। ये पवन मुक्त आसन देखिए, हमने बोला ना आसन तो एक ही रहते हैं लेकिन इसके लाभ बहुत रहते हैं। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, उसके अलावा ऐसा नहीं खाली डाइजेशन को ही कर सकते, ये आपके फिर से हार्ट के ऊपर, सबके ऊपर अच्छा असर रहेगा। इसके लिए दोनों पैरों को मोड़ लें और धीरे से अपने यहाँ उठाए, अगर आपको सर्वाइकल है तो सिर को यहीं छोड़ लें और यहाँ पर दबा के लंबी गहरी श्वास लें, और सर्वाइकल नहीं है तो यहाँ ठुड्डी को लगा दें।
अब बस लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। इस पोज में आप 2 मिनट रुके, शुरुआत में बेशक 1 मिनट रुके, फिर बाद में धीरे धीरे 2 मिनट, क्योंकि कोई भी आसन में 2 मिनट रुकेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। और फिर सांस भरते हुए पैरों नीचे के कांधे सटा के ले आए। ये था पौलोकासन। अगर आपको कमर में दर्द है और आप दोनों पाँव नहीं मोड़ पा रहे, तो एक पाँव को मोड़े और एक पाँव को ऐसे लगा लें, और यहाँ भी 1 मिनट रुकने के बाद धीरे से पैरों को लंबा कर लें, दूसरे पाँव को लिया और दूसरे पाँव से कर लें। आप चाहे तो एक पाँव से करें, चाहे दोनों पाँव से करें। अगर कमर दर्द है तो फिर एक से करके देखें। अब इसके बाद जो आसन बता रही हूँ, ये भी आपको इतना लाभ पहुँचाएगा कि आप इसको करके फिर से तरोताजा तो महसूस करेंगे, साथ ही साथ कमर दर्द, हार्ट, लंग्स, डाइजेशन सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। इसके लिए क्या करना है, पैरों को ऐसे मोड़ लें, हाथों को सिर के पीछे ऐसे लिया है या ऐसे फैला दें। फैला लेने में भी आपको ज्यादा आराम मिलेगा। और डाउट ऐसे लिया, हाथों से धरती पर टिका दें और सांस भरते हुए सीधे, फिर से ब्रीद आउट, गर्दन आपको दूसरी दिशा में, घुटना दूसरी दिशा में, सांस भरते हुए फिर से सीधे। इसका अभ्यास आप 5 से 6 बार करें। मैं आपको 2 बार करके बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं कोई भी आसन देर तक नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद बस धीरे रिलैक्स हो जाए, 1 मिनट के लिए अपने आप को यहाँ ढीला छोड़ दें और उसके बाद करवट बदले और धीरे से उठ के बैठ जाए। तो देखा कि थोड़े से अभ्यास आपके सारी समस्याओं से आपको मुक्त कर देंगे, चाहे वो अस्थमा की शिकायत हो तो भुजंगासन बहुत अच्छा है, गोमुखासन बहुत अच्छा है, मरकटासन भी अच्छा है, तिलकासन भी अच्छा है, यानी हर आसन जो मैंने आपको बताया है सभी रोगों में बहुत अच्छा काम करेंगे। और इतने से आसन करके आप इन बीमारियों से बचे भी रहेंगे, और बीमारियां हो गई हैं तो उन्हें दूर भी कर सकने में सक्षम होंगे। और उसके बाद में 2 प्राणायाम खाली बोलूंगी, क्योंकि आप बोलेंगे कि हमको बहुत ज़्यादा 2 या 3 प्राणायाम, जिससे करके आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। एक है कपालभाति, जो सारी लंग्स की सारी शिकायत परेशानियों से मुक्त दिलाती है, करने में भी सरल है। और दूसरा है अनुलोम विलोम, ये भी बहुत सरल है। तीसरा है ग्रामीण, जो कि ब्लड प्रेशर, ब्रेन की सारी समस्याओं के लिए, चाहे वो भूलने की बीमारी हो, नींद की समस्या हो, कुछ भी हो, सब में लाभदायक है। मैं 3 प्राणायाम करने तो मैं आपको अभी 3 प्राणायाम करके बता रही हूँ कि इसे कैसे करना है। देखिए, अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठे, और नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए। अगर आप नीचे बैठ भी नहीं पा रहे, आसन तो लेट के कर लिए, लेकिन फिर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। और इसके बाद अपनी ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आँखें बंद कर लेंगे। आँख बंद करके आपको शरीर को पीठ को सीधा रखना है, और पहले अपनी सांस को देख लें, सामान्य हो गई है तो कपालभाति का अभ्यास करें। आपने देखा, मैंने धीमी गति से शुरू करके तेज की और धीमा करके बंद कर दिया। इसका अभ्यास भी आपको केवल 2 मिनट करना, मैं कोई अभ्यास आपको ज्यादा करने का नहीं बोल रही हूँ। और 2 मिनट इस अभ्यास के बाद 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए भी आपको क्या करना है, ये देखिए, आप या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ये करके आपने दाहिनी नाक बंद की, लेफ्ट से सांस ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी, ये क्रम आपको 2 मिनट तक करना है। तो मैं आपको 2 बार करके बता रही हूँ।
बस कुछ ही नहीं करना। बाई से सांस ली, दाई से छोड़ी, दाई से ली, बाई से छोड़ी, करते गए 2 मिनट तक। और इस तरीके से आप शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जितनी सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, सेल्स हेल्दी होगी, मन शांत होगा, ब्लड प्रेशर, हेडेक, हार्ट, सभी चीज़ों से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। अब इसके बाद एक अभ्यास मैंने बोला भ्रामरी। भ्रामरी का भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 5 से 10 बार का ये अभ्यास आपको क्या करना है, जीभ को ऊपर तालू पे लगा लेना है, मुंह बंद कर लेना है, नाक से श्वास भरना है, कान को बंद कर लेना है, आँख को बंद कर लेना है। मैंने 3 बार किया है, लेकिन आप इसका अधिक बार अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल शांत और हल्के हो गए, आपका सिर बिल्कुल तनाव मुक्त हो गया है, और आपको नींद भी अच्छी आएगी, और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होगा। इसके अलावा अगर भूलने की बीमारी है या फिर ब्रेन संबंधी जितनी भी बीमारी है, अल्जाइमर्स लेके जो कुछ है, सब इससे कंट्रोल होती है। तो ये 3 प्राणायाम और ये थोड़े से आसन, ये मुश्किल से आपका 20-25 मिनट लेंगे, और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 20-25 मिनट कोई महंगा सोचते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर तो बनता है। नमस्कार, धन्यवाद।